वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और मेक इट सिंपल की वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विद मी नम्रता ऑन मेक इट सिंपल। तो आज जिस टॉपिक को हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। इसके पहले वीडियो में हमने सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा, फिर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग पढ़ा, अब हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। इन सभी वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है बाकी ब्लॉटिंग टेक्निक की ही तरह इसके भी नाम इनके साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, इसमें से हमें कोई एक टारगेट, मान लीजिए ये प्रोटीन है जिसकी हमें और अच्छे से स्टडी करना है, तो इस मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में से इस टारगेट प्रोटीन को प्रोटीन की स्टडी के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका हम सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन किसके द्वारा करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने अभी देखा था एगरोस जेल में, जहाँ पे हमने नॉर्दर्न और सदर्न में देखा था। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। एसडीएस पेज हम सभी को पता होता है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं। इसमें कुछ वेल्स बने हुए हैं जहाँ से हम प्रोटीन को इस वेल्स में डालते हैं और फिर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो हमारा जो प्रोटीन है वो इसके मास के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाता है। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े लेंथ वाले प्रोटीन्स हैं वो ऊपर की ओर, और साइज में जो छोटे लेंथ वाले प्रोटीन्स हैं वो नीचे की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। तो इस तरह से इनमें सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन के बाद अब हम बाकी ब्लॉटिंग टेक्निक की ही तरह इस जेल को हम फिल्टर पेपर में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए हम ब्लॉटिंग टेक्निक का ही इस्तेमाल करेंगे। यही वो स्टेज है जहां पे ब्लॉटिंग होती है। सेम एज अदर ब्लॉटिंग टेक्निक, यहाँ पे भी हमारा कंटेनर में फिल होगा बफर, जो कि कैपिलरी एक्शन के लिए बहुत जरूरी है। फिर यह हमारा है मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम नायलॉन फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारा है, ये है जेल। जो नायलॉन फिल्टर पेपर है वहां पे इस वेल्स में जो हमारे प्रोटीन का फ्रेगमेंट्स है वो सभी मेम्ब्रेन में ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पास मेम्ब्रेन में प्रोटीन के सेगमेंट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा अगला स्टेप चालू होता है वो है प्रोबिंग का, यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो बाकी जो हमने ब्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़ी थी वहाँ पे जो है वो डीएनए और आरएनए की बात थी, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो चीज़ यूज होती है एज अ प्रोब वो है हमारा एंटीबॉडी। तो जो प्रोबिंग यूज होगा वो होगा एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज जो है वो सैंडविच मॉडल्स के फॉर्म में होते हैं। कि यहाँ पे सैंडविच मॉडल कैसा, कि जो एक एंटीबॉडी है वो सबसे पहले जाके इस टारगेट जो हमारा प्रोटीन है उस पे जाके अटैच होता है। तो इसके अटैच होने के बाद हम फिर से एक और एंटीबॉडी इस पे अटैच करते हैं। वो एंटीबॉडी के ऊपर, मतलब एक फर्स्ट एंटीबॉडी ऑलरेडी यहाँ पे अटैच कर चुके हैं, उसके बाद एक और ऐड कर रहे हैं। तो दो एंटीबॉडी ऐड करने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी जो एंटीबॉडी है इसके साथ होता है ये एंजाइम। ये एंजाइम जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं या फिर वो फ्लोरोसेंस होते हैं जिनमें लाइट एमिट करने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से ये सैंडविच कैसे हो गया, ये कुछ इस तरीके से सैंडविच मॉडल हो जाता है। ये फर्स्ट एंटीबॉडी, सेकेंड एंटीबॉडी और थर्ड में ये है एंजाइम। तो इस तरीके से जो ये तीन यूनिट्स बन जाती हैं वो आके हमारे टारगेट
प्रोटीन पे आके ऐड हो जाती है। मान लीजिए ये हमारा टारगेट प्रोटीन है, इस पे ऐड हो जाती है। उसके बाद फिर कि जब हमने प्राइमरी एंटीबॉडी को जब ऐड किया था फिल्टर पेपर पे, तो इसको ऐड करने के बाद कुछ ब्लॉकिंग एजेंट को भी जो है हमें उस फिल्टर पेपर पे डस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो एंटीबॉडी है ना वो बाकी सरफेस पे भी जाके ऐड हो सकती है, टारगेट प्रोटीन के अलावा भी यहाँ वहाँ जाके भी ऐड हो सकती है। तो ऐसा ना हो इसलिए इस पे हम कुछ ब्लॉकिंग एजेंट को डाल देते हैं, जिसकी वजह से जहाँ हमें ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे जाके एंटीबॉडी अटैच होगी। तो फर्स्ट एंटीबॉडी अटैच होने के बाद हमारा जो सेकेंड एंटीबॉडी है, जो कि रिपोर्टर एंटीबॉडी है, वो जाके यहाँ पे अटैच होगा, जो कि एंजाइम के साथ लोडेड रहता है। और यही वो एंजाइम है जो कि लाइट एमिट करती है, या तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे या फिर ये फ्लोरोसेंस होंगे जो कि लाइट एमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबिंग का काम जो ये है वो इस तरीके से होता है, जिसको हम सैंडविच मॉडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट यूज हो रहे हैं। इसके बाद जब हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा तो इसको फिल्टर को वॉश करेंगे, जितना भी एक्सेस मटेरियल है वो सब वॉशअप हो जाएगा। वॉशअप होने के बाद अब हमारा बारी आता है रेडियोग्राफी की, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, जिसके बाद हमारे पास एक्सरे फिल्म मिलती है जिसमें जो हमारा वो टारगेट प्रोटीन था वो शो होता है। किसकी वजह से? प्रोब की वजह से, क्योंकि वो लाइट एमिट करता है। तो जब इसके हम रेडियोग्राफी करते हैं तो वो प्रोब की वजह से हमें ये यहाँ पे दिखता है। उसके बाद हम उस टारगेट प्रोटीन की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। इसका सिंप्लीफिकेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।